drive me crazy. Suddenly, the world I used to know, I see it differently. Hello, प्यारे दोस्तों, आज हम वीडियो करने वाले हैं कि हमने लास्ट वीक में क्या क्या खाया. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा. अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब जरूर से करें. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, कमेंट जरूर करना एंड वीडियो को लाइक करना. जल्दी से शुरू करते हैं. सो आज मैंने बनाया है राजमा राइस डिनर के लिए. पर अर्लियर मैंने आलू गोभी भी बनाई थी. आज करवा चौथ का व्रत था. एंड यस, मैंने रात को डिनर में आलू गोभी खाई. मुझे आलू गोभी खाने के लिए बहुत मन था. सारा दिन फास्ट था तो, पर राजमा राइस थे आज का डिनर. सो वेनसडे को मैंने बनाए करेले. जब मेरे पास बची हुई तरी वाली सब्जी होती है, जैसे राजमा है, तो फिर मैं करेले, मुझे अच्छा लगता है. करेले कल्ले मैं तो खा लेती हूँ, पर हस्बैंड को कोई करी भी चाहिए साथ में. पर इस दिन मैंने आलू के परांठे बनाए क्योंकि हस्बैंड की फरमाइश थी कि उनको आलू का परांठा खाने के लिए मन है. तो मैंने उसके साथ करेले खाए हैं कि हस्बैंड की प्लेट है. अगले दिन मेरी एनिवर्सरी थी, पर आपने उस व्लॉग में देखा होगा, उसके पूरा व्लॉग मैंने शूट किया है. हमारा पहले प्लान था बाहर जाने का, बट देन प्लान कैंसिल हो गया. तो मैंने करेले के साथ ही लेफ्ट ओवर के साथ रोटी खाई. एंड मैंने ना ये बिरयानी बनाई थी कल लंच में, वेजिटेबल बिरयानी, बहुत अच्छी बनी थी. इसके साथ ये थोड़ा सा सीज़र सैलड है, लाइक रोमेन लेटस है, और उसके ऊपर मैंने सीज़र ड्रेसिंग डाली. बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग लगता है. तो ये हमारा एनिवर्सरी का डिनर था. काफ़ी स्वादिष्ट बनी थी बिरयानी. और आज जब फ्राइडे, हस्बैंड को ना गाजर मटर बहुत अच्छे लगते हैं, स्पेशली जब मैं फ्रेश मक्खन बना के उस पर डालती हूँ एंड उसके साथ परांठा प्लेन. सो आज गाजर मटर की सब्ज़ी बनाएंगे. गाजर को पील कर लेंगे, बिल्कुल बेसिक सा तड़का है. बहुत सारे लोग ना इसमें टमाटर नहीं ऐड करते, बस मैं टमाटर ऐड करती हूँ. लगता मैं हर चीज़ में करती हूँ. सो हमने अनियन काट लिए हैं, चिलीज़ डालेंगे, जिंजर डालेंगे एंड गार्लिक, बहुत अच्छा लगता है इसमें. एंड मैं प्रेशर कुकर में ना ऐसे तड़का लगाते ही, जैसे एक प्रेशर सीटी आती है, खोल लेती हूँ, कुक हो जाती है. बहुत ही क्विक सा बनाने के लिए, अनलेस आप वैसे कढ़ाई में बना सकते हैं, पर मुझे इसके साथ ऐसा अच्छा लगता है. सो गाजर, मुझे ना गाजर कट्टी हुई परफेक्शन के साथ चाहिए. आई डोंट नो फॉर सम रीजन, ऐसा कोई बड़ी कोई छोटी, मुझे बहुत अजीब लगती है. सो फिर मैं ना सारे इवनली काटती हूँ. वैसे भी जब इवनली सब्जी काटते हैं ना आप, तो एक साथ कुक होती है. सो गाजर आलू मुझे अच्छा नहीं लगता. गाजर आलू मटर, ये तीन जो कलर्स का कम्बिनेशन है, लाल हरा एंड चिट्टा, सोना लगता है. आपको अच्छी लगती है गाजर मटर? बहुत बड़ी फैन नहीं हूँ मैं, पर मैनू ये आके जब भी कुछ मैं कुक करती हूँ मैं खा लेती हूँ. जड़ी चीज़ मुझे नहीं भी अच्छी लगती है. सो ताज़ा मक्खन बनाएंगे एंड यस, हस्बैंड को कर देंगे खुश. चिट्टा मक्खन लेके पंजाबी पति खुश हो जाते हैं. सो उनको परांठा अच्छा लगता है इसके साथ. थोड़ा सा ग्लूमी दिन है एंड मैंने लेफ्ट ओवर राजमा ही खाए हैं. उन्होंने गाजर मटर नहीं वधिया लगते. सो यस, इस तरह हमारा प्यारा प्यारा मील हो गया है सर. थैंक यू. आई लाइक योर रॉब.
ओवर गाजर मटर है मेरे पास, एंड मैंने शाही पनीर बनाया है क्योंकि हिम्मत को नहीं अच्छा लगता गाजर मटर इतना, तो ये हिम्मत की प्लेट है। एंड ये फ्रेश मक्खन डाल दिया उसमें मैंने, ये शाही पनीर काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना था। एंड पति भी पनीर से खुश हो जाते हैं, आजकल वेजिटेरियन डालते हैं हम। सो ये है हमारा सैटरडे का डिनर। संडे को मैंने बनाए थे दाल के वड़े फॉर सम रीजंस। दिवाली वाले दिन भी बनाए थे, पर दिवाली वाले दिन मैंने 3 डिफरेंट दालें ऐड की थी, इसमें सिर्फ चना दाल है। ये बहुत अच्छे बने थे जिसकी वजह से मुझे लगा कि मुझे दिवाली वाले दिन दोबारा से बनाने चाहिए। सो ये दाल को भिगो के रख लिया था ओवरनाइट, उसके बाद उसको ग्राइंड करके इसमें थोड़ा सा अदरक लहसुन हरी मिर्च एंड सीजनिंग में काली मिर्च एंड नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। ये हरी चटनी भी मैंने फ्रेश बनाई है। हरी चटनी के लिए मैं क्या करती हूँ कि सिर्फ तनिए की डंडियाँ स्पेशली एंड पुदीने को ग्राइंड कर लेती हूँ, और उसमें थोड़ा सा सीजनिंग एंड चाट मसाला एंड थोड़ा सा लेमन। सो ये बहुत मज़ेदार वड़े रेडी हो गए, और हस्बैंड ने टेर रुके टेर खा लिए। बढ़िया लग गया तुम। डिनर में मैंने ऐसे प्लेट बना ली थी दही पल्ले वाली चटनियाँ डाल के, एंड जल्दी से मैंने चना दाल भी बना ली थी थोड़ी सी, एंड चना दाल के साथ हम लोग राइस खाएंगे एंड पल्ले खाएंगे। ये हमारी खूबसूरत प्लेट हो चुकी है डिनर की, सिंपल सादा फूड। यहाँ देखते हैं पति कैसे रिव्यू देते हैं। ओके दोस्तों, तो ये है मेरी नॉट सो खूबसूरत फैमिली, लिटिल बिट अगली पति। ਨਾ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਫਰਦੀਨ ਖਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਇਹ ਬੰਦਾ? ਫਰਦੀਨ ਖਾਨ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਹੋਰ ਕੋਣਾ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਲਿਆ ਮਾਂ ਤੇ? ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ ਟੂ ਚੂਜ਼। ਸੋ ਗਾਇਸ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਟਾਈਗਰ ਸ਼ਰਾਫ ਲਿਆ ਮਾਂ ਤੇ ਲਈ। ਸ਼ਰਾਫ ਵੀ ਨਾ ਸ਼ਰਾਫ ਆ। ਉਹ ਕੌਣ ਆ? ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਆ ਕਦੀ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਵੇਖੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਰ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟੇਬਲ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਏ ਬਹਿ ਜਾ? ਨਾ। लगता है कि मैं चाहती हूँ। ओके सो दोस्तों, ये है मेरी नॉट सो ब्यूटीफुल फैमिली। ये मेरे पति, इनके लिए पल्ला चाट बनाई थी मैंने। इस बार ना मैंने चना दाल के बनाए, ये थोड़े हेल्दी है। पहला मैं पति नू किलो खिलाते इदा चटनी के नाल, और आज दो मैं अपने लिए रखे। इन्हें ते भी इन्होंने अख रखी दिया कि मैं खा। Just like water, you're making me weak now. What doesn't kill you makes you. So आज है मंडे, आज मेरा कुछ ज़्यादा बनाने के लिए मन नहीं था, तो मैंने क्या किया, जो भी मेरी फ्रिज में सब्जियाँ थी लाइक गाजर थी, कैबेज थी एंड पेपर थी, उन सारी को अच्छा बारीक काट के हॉट एंड सार सूप बना लिया, और उसमें मैंने एग भी ऐड कर दिया। बहुत ज़्यादा डिलिशियस बना था। फ्यूचर में जब मैं ये बनाऊंगी उसकी रेसिपी रिकॉर्ड करूंगी, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि सूप बेस्ट डिनर है ना ये विंटर्स में। एक तो बहुत ही ज़्यादा सूदिंग है, दूसरा ये है कि कम काम करना पड़ता है एंड आपके पेट के लिए भी अच्छा है। एंड मैं बहुत सारे सूप बनाने वाली हूँ इस विंटर्स में, ये बहुत डिलिशियस बना था, आपके साथ शेयर करूँगी। पुर्तगाल दे मग च तुहानू मैं सूप बना के देता वे। पुर्तगीज हैंडमेड पुर्तगीज क्या क्यूट है ना। की कहंदे आ प्यारी, जो तो बाहर हुंदी है ठंड उदन सूप ही बंदे दे काम आंदा है। जदों बनाना ना होवे कुछ तां उदों आंदा सूप बंदे दे काम। हाय पता किन्नी मेहनत कीती है मैं। अच्छा होर की लेट मी चेक। तो इसी तरह हम डन है हमारी वीडियो के साथ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें एंड अपने प्यारे वैल्यूएबल कमेंट्स ज़रूर छोड़ें कमेंट बार में। एंड अगर आप मेरे से कोई खास वीडियो देखना चाहते हैं वो भी आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको जल्दी मिलती हूँ नई वीडियो में। अपना ख्याल रखें दोस्तों, एंड बिल्कुल मत भूलें यू गाइस आर ब्यूटीफुल। आई लव यू गाइस सो वेरी मच। बाय बाय।